माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो जुड़ी है सिम से। यात्रा मार्ग में कौन सी सिम चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, प्रीपेड सिम लेनी है आपको या पोस्टपेड सिम लेनी है, यदि प्रीपेड सिम लेनी है तो उसके चार्जेस क्या हैं और कौन सी सिम का नेटवर्क अच्छा है, ऐसे बहुत सारे सवाल भक्तों ने हमसे किए थे। तो उसी का जवाब देने के लिए वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि ये जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी भक्तों तक पहुंच पाए और आप अपनी यात्रा की प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ। तो भक्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य में जैसे ही आप एंटर करते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट से जाएं, चाहे बस से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं, वहां जाते ही आपकी जो प्रीपेड सिम है वो काम करना बंद कर देती है क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य राज्य की प्रीपेड सिम काम नहीं करती हैं। तो यदि यात्रा मार्ग में आपको अपने परिजनों से संपर्क करना है तो आप अपने यहाँ से पोस्टपेड सिम ले जा सकते हैं, वो भी एयरटेल की या फिर जियो की। अभी यात्रा मार्ग में जियो का और एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो सिम आपकी पोस्टपेड होनी चाहिए और पोस्टपेड सिम आप अपने राज्य से ही लेकर जाएंगे क्योंकि पोस्टपेड सिम आपको जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को ही मिलती है उनके वोटर आईडी कार्ड पे। तो यदि ऑप्शन है तो आप अपने घर से ही पोस्टपेड सिम जियो की या फिर एयरटेल की लेकर जा सकते हैं, जिसमें कि आपकी कॉलिंग भी होती रहेगी और आपका नेटवर्क भी अच्छा काम करेगा। इसके अलावा यदि आपके पास पोस्टपेड सिम नहीं है एयरटेल की और जियो की, तो आप कटरा पहुंचकर वहां पे प्रीपेड सिम खरीद सकते हैं जो कि एक टेम्प्रेरी सिम होती है और जो 350 रुपये में आपको मिल जाएगी। वह प्रीपेड सिम आपको वोटर आईडी कार्ड पर ही मिलेगी। बहुत सारे भक्त आधार कार्ड लेकर जाते हैं और उसी पर सिम लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें यदि आपको प्रीपेड सिम खरीदनी है जो कि टेम्प्रेरी होती है, वो आपको सिर्फ वोटर आईडी कार्ड पर ही मिलेगी। तो यात्रा पर जाते समय अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं। यदि आपको सिम खरीदनी है, यह टेम्प्रेरी सिम आपको 30 दिन के लिए मिलेगी और इसके जरिए आप पूरी यात्रा मार्ग में अपने परिजनों से बात कर सकते हैं और इसमें आपका वाईफाई भी काम करता रहेगा। हालांकि प्रीपेड सिम में जो नेटवर्क आते हैं वो उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन आपकी कॉलिंग की जो समस्या है, अपने परिजनों से संपर्क करने की बात है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। और यदि आपको यात्रा मार्ग में नेट चलाना है तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए पोस्टपेड सिम जियो की या फिर एयरटेल की आप लेकर जा सकते हैं। तो हमने आपको दोनों सिमों के बारे में बता दिया, टेम्प्रेरी सिम जो कि 350 रुपये में आपको मिलेगी और वो भी सिर्फ वोटर आईडी कार्ड पे। इसके अलावा यदि आप पोस्टपेड सिम लेके जाना चाहते हैं अपने यहाँ से, तो आप जियो या फिर एयरटेल की लेकर जा सकते हैं। तो भक्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आप सभी के साथ शेयर की। ऐसी जो अन्य ज़रूरी जानकारी है यात्रा को लेकर, छोटी छोटी बातें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप अपनी यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और आपको यात्रा मार्ग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।